जय हिंद। मैं दीपक शर्मा आपकी बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हौसला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। देखिए, रेवाड़ी में युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। कलयुग में कलयुग के पिता ने ही अपने बेटे की चाकू से हत्या कर दी है। रेवाड़ी शहर छठे गाँव ढालियावास में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही अंजाम दिया है। आरोपी पिता फरार है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, गांव ढालियावास निवासी तरुण का अपने पिता सतीश कुमार के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सतीश इस कदर तैश में आ गए, उसने तरुण पर चाकू से एक दो नहीं बल्कि कई बार किए। गंभीर रूप से घायल तरुण को शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से भाग गए हैं। मां की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी है। आगे खबर की बात करेंगे तो आपको बता दें, पोटाश मुहैया कराने वाले को पुलिस ने पकड़ा, युवक की गई थी जान। रेवाड़ी स्थित गांव खरकड़ा में पोटाश कूटते वक्त हुए ब्लास्ट में युवक की मौत के मामले में धारोरा थाना पुलिस ने व्यापारी को पोटाश मुहैया कराने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बार सित्ता बरिया का रहने वाला है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, आपने अभी तक ये खबर नहीं देखी थी, हमारी वीडियो नहीं देखी थी, आप देख सकते हैं किस प्रकार पोटाश कूदने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इस समय। देखते रहिए हमारे चैनल को, देखना भूलें। धन्यवाद।